स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। इतिहास रचने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर मौजूद है और लगातार अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। इसरो लगातार इससे जुड़े अपडेट शेयर कर रहा है, जिसमें आज सुबह एक और तस्वीर शेयर की गई, जिसमें पहली बार चांद पर मौजूद लैंडर साफ नजर आ रहा है। दिलचस्प बात तो ये रही कि यह तस्वीर और किने नहीं बल्कि भारत के ही चंद्रयान 2 ने खींची है। चांद पर शान से खड़े चंद्रयान 3 को देखिए। चांद से विक्रम लैंडर की पहली तस्वीर। चांद की सतह पर चमकते हुए नजर आ रहे इस यान को देखिए। ये और कोई नहीं बल्कि भारत की शान चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है। चांद पर पहुंचे चंद्रयान 3 के लैंडर की ये पहली तस्वीर है, जो और किसी ने नहीं बल्कि भारत के ही चंद्रयान 2 ने ली है। इसरो ने यह तस्वीर आज सुबह ट्वीट की और ट्वीट कर लिखा कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का फोटो शूट किया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को स्पॉट किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा कैमरा चांद पर अभी मौजूद सबसे बेहतरीन कैमरा है। इस ट्वीट के साथ शेयर की गई तस्वीर में जहां एक तरफ चांद की सतह लैंडिंग से पहले की है, जहां वो खाली नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद की है, जहां विक्रम लैंडर साफ दिख रहा है। चंद्रयान 2 भले ही 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है और लगातार डेटा भेज रहा है। इस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 को स्पॉट कर उसकी तस्वीर खींची, जो इसरो ने शेयर की है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद से रोवर सतह पर मूव कर रहा है और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से लेकर 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकली है, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो रहा है और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और लगातार तस्वीरें और डिटेल भेज रहा है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो भी कल जारी किया था। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। ये वीडियो लैंडिंग से ठीक पहले का है, जब लैंडर गति धीमी कर सतह पर उतर रहा था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन की सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं और अभी सिस्टम दुरुस्त है। लैंडर में लगे मॉड्यूल पेलोड्स चालू हो गए हैं। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पैलोड लगे हैं, जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। जो नेक्स्ट है 12.5 दिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो रोवर पे हैं, 2 पेलोड वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहाँ की जमीन का जायजा लेके उसके एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करके हमको उसकी कॉम्पोजिशन, मिनरल्स और केमिकल एलिमेंटल एनालिसिस वो सब करके हमको डिटेल भेजते रहेंगे। वो रोवर लैंडर को भेजेगा, लैंडर हमारे अर्थ स्टेशन पर भेजेगा। और इसी तरह लैंडर के ऊपर जो 4 पेलोड है वो भी अपनी तरह से काम करेंगे, जो प्लाज्मा आयन, थर्मल टेम्परेचर वहाँ का, थर्मल एनवायरनमेंट, फिर सिस्मिक एनवायरनमेंट मून पे, चंद्र पे जैसे अर्थक्वेक आते हैं, ऐसे मून क्वेक आते हैं कि नहीं, वो उसकी पता लगाने की कोशिश करेगा। भारत पहला ऐसा देश है जिसके मिशन ने चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 का रोवर वहां की मिट्टी, वातावरण के साथ वहां मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का पता लगाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे क्रेटर्स हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में यहां से डेटा इकट्ठा करना काफी ऐतिहासिक है। इससे कई तरह के रिसर्च में आसानी होगी और स्पेस साइंस में भारत का काफी अहम योगदान होगा। हम जाएंगे भारतीय एक दिन चंद्रमा पर, और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा, और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से, और हमारे ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून।
चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे सभी तरह के सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 23 अगस्त को भारत ने चंद्र क्रांति करके ये साबित कर दिया कि सितारों के आगे जहां और भी हैं। अब सिर्फ चांद ही नहीं सूरज भी हम नापेंगे और गगनयान को भी पड़ाव बनाएंगे। दुनिया पर छा जाने की इसरो की इस जिद ने हिंदुस्तान को आज अलग मुकाम पर खड़ा लाकर कर दिया है जहां से सिर्फ ऊंचाइयों को छूने की चाहत है। 2, 1, 0 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद इसरो अब कई अहम मिशन को अंजाम देने वाला है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया था। सूरज की स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। ये मिशन कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। आदित्य L1 मिशन सूरज की ताकत का पता लगाएगा। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य किरणों को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 ऑर्बिट या लैंग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैंग्रेंज पॉइंट को अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इसरो का ये मिशन अब तक का सबसे अहम मिशन होगा। आदित्य L1 लैंग्रेंज पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ से सूरज हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 LMVM3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। आदित्य L1 तो ऑलरेडी बन चुका है, सैटेलाइट रेडी होके लॉन्च पैड पे खड़ा है और 2 सितंबर यानी कि लगभग 1 वीक बाद हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं शनिवार को। तो उसका तो सब प्लानिंग हो चुका है, टेस्टिंग भी हो चुका है और कोई इसका डायरेक्टली उसमें कोई यूटिलिटी है नहीं कोई, बट अलग जो मैंने बोला लॉन्च व्हीकल के पार्ट्स उसमें यूज होते हैं। ऑफ कोर्स ये GSLV द्वारा लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च होगा PSLV के द्वारा, तो उस तरह से। बट उनके कई डिजाइन एलिमेंट्स जो कॉमन है वो तो यूज होंगे लॉन्च व्हीकल में। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे सभी पायलट्स का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा गगनयान समेत कई अहम मिशन पर भी इसरो काम कर रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी इस बात की तस्दीक की है। और इनसैट 3DS क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट। इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे और NISAR सैटेलाइट है, NASA इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा। गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। जाहिर है अंतरिक्ष और आसमान को एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला। भारत ने अपने सीमित संसाधन और कम बजट में चंद्रयान 3 की सफलता से साबित कर दिया है कि अगर हौसला है तो कोई भी ताकत मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिशन चंद्रयान के पीछे इसरो ने सैकड़ों वैज्ञानिकों की कई साल की मेहनत थी जो कल जाकर सफल हुई। इसरो की सफलता में इन रियल लाइफ सुपर हीरोज का अहम योगदान रहा और इन्हीं की बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। मिलिए इन सुपर हीरो साइंटिस्ट से। जोश और उल्लास से लबरेज इसरो के इन वैज्ञानिकों को गौर से देखिए।